हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आज हमें आईपीएल 2024 का ऑक्शन देखने को मिला था और आईपीएल 2024 की नीलामी में आज सोल्ड आउट हुए सभी 78 प्लेयर्स की पूरी लिस्ट और नई टीम आप लोगों को आज इस वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आज हुई आईपीएल 2024 की नीलामी में हमें अलग अलग सेट्स में प्लेयर्स सोल्ड आउट होते हुए नजर आए थे। जहां अगर हम सबसे पहले नंबर पर बात करें सेट वन में सोल्ड आउट हुए प्लेयर्स की, तो सबसे पहले नंबर पर हमें नाम देखने को मिला था रोमन पॉवेल का, और रोमन पॉवेल हमें 7.4 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स की टीम में सोल्ड आउट होते हुए नजर आ चुके हैं। इनके बाद इस लिस्ट में रायली रसोव का नाम आया था, जो कि आईपीएल की नीलामी में हमें अनसोल्ड जाते हुए नजर आए। इनके बाद हमें नाम देखने को मिला था हैरी ब्रुक का, जिनको दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 4 करोड़ रुपए में परचेज कर लिया। इसके बाद नाम देखने को मिला था ट्रेविस हेड का, ट्रेविस हेड को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 6.8 करोड़ रुपए में अपनी टीम में परचेज कर लिया है। इसके बाद हमें बाकी के जो 3 प्लेयर सेट वन के थे, यानी कि करुण नायर, उनके साथ ही स्टीव स्मिथ और उनके साथ ही मनीष पांडे, तीनों के तीनों प्लेयर्स हमें अनसोल्ड जाते हुए नजर आए। इसके बाद अगर हम बात करें सेट टू के प्लेयर्स की, तो सेट टू के प्लेयर्स में सबसे पहले नंबर पर हमें वानिडू हसारंगा का नाम देखने को मिला, जिनको सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में ही अपनी टीम में ले लिया। इसके बाद रचिन रविंद्रा का नाम देखने को मिला, जिनको सीएसके ने सिर्फ 1.8 करोड़ रुपए में ही अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद नाम आया था शार्दुल ठाकुर का, शार्दुल ठाकुर को भी सीएसके की टीम ने सिर्फ 4 करोड़ रुपए में अपनी टीम में वापस से शामिल कर लिया। इसके बाद हमें नाम देखने को मिला था अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई का, जिनको गुजरात टाइटंस की टीम ने इनके बेस प्राइस 50 लाख रुपए में परचेज कर लिया। इसके बाद हमें नाम देखने को मिला था पैट कमिंस का, पैट कमिंस आईपीएल की हिस्ट्री के उस पॉइंट पर सबसे महंगे प्लेयर बन चुके थे, क्योंकि इनको एसआरएच की टीम ने 20.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद हमें नाम देखने को मिला था गेरल्ट कोइट्जी का, और इनको मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 करोड़ रुपए के प्राइस पर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इसके बाद हमें नाम देखने को मिला था हर्षल पटेल का, हर्षल पटेल को पंजाब किंग्स की टीम ने 11.75 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया, जो कि इनके हिसाब से काफी ज्यादा प्राइस था। इसके बाद नाम आया था डैरिल मिचेल का, डैरिल मिचेल को सीएसके की टीम ने 14 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इसके बाद हमें नाम देखने को मिला था क्रिस वोक्स का, क्रिस वोक्स को पंजाब किंग्स की टीम ने 4.20 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद अगर हम फाइनली बात करें सेट थ्री और उसके साथ ही सेट फोर के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर हमारे चैनल के ऊपर जो काफी बड़ा गिव अवे चल रहा था, उसका रिजल्ट आज आने वाला है, जहां पर 10 की 10 आईपीएल टीमों की जर्सीज, क्रिकेट बैट्स और क्रिकेट किट्स हम आपको बिल्कुल फ्री में गिफ्ट करेंगे। अभी से कुछ घंटे के बाद हम विनर्स को अनाउंस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोग फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके बाद अगर हम बात करें सेट थ्री के प्लेयर्स की, तो सेट थ्री और सेट फोर में हमें सबसे पहले नाम देखने को मिला था फिल सॉल्ट का, जो कि हमें अनसोल्ड जाते हुए नजर आए। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स का नाम आया था, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में 50 लाख रुपए में सोल्ड आउट होते हुए नजर आए। इसके बाद नाम हमें देखने को मिला था केएस भारत का, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में 50 लाख रुपए में सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसके बाद अगले तीनों ही प्लेयर्स, यानी कि जॉस इंग्लिस, कुशल मेंडिस और उनके साथ ही लॉकी फर्ग्यूसन, तीनों ही प्लेयर्स हमें अनसोल्ड जाते हुए नजर आए। इसके बाद हमें नाम देखने को मिला था चेतन सकारिया का, और चेतन सकारिया हमें केकेआर की टीम में 50 लाख रुपए में सोल्ड आउट होते हुए नजर आए। जिसके बाद फाइनली अगर हम बात करें सेट फोर की, तो यहाँ हमें नाम देखने को मिला था लॉकी फर्ग्यूसन का, जो कि हमें अनसोल्ड जाते हुए नजर आए। उसके बाद अल्जारी जोसेफ का नाम आया था, जो कि आरसीबी की टीम में 11.5 करोड़ रुपए में सोल्ड आउट होते हुए नजर आए। इसके बाद उमेश यादव का नाम देखने को मिला था, उमेश यादव जीटी की टीम में 5.8 करोड़ रुपए में खेलने वाले हैं। इसके साथ ही नाम आया था शिवम मावी का, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में 6.4 करोड़ रुपए में हमें खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मिचेल स्टार्क का नाम आया था, और स्टार्क अब आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर बिक चुके हैं, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद जॉस हेजलवुड हमें अनसोल्ड जाते हुए नजर आए, और जयदेव नाथकट को एसआरएच ने 1.6 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो गाइज, ये थी आईपीएल 2024 की नीलामी के प्लेयर्स की कंप्लीट लिस्ट। कमेंट करके आप लोग बताना आपके हिसाब से कौन सी टीम सबसे स्ट्रांग है और कौन सी टीम सबसे वीक। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।